नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। दिल्ली नगर निगम के 5 सीटों के उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सभी उम्मीदवार जहां पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी साफ सफाई और फंड का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव को साल 2022 में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक के कंधे पर सौंप रखी है। पाठक लगातार चुनाव प्रचार के जरिए बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। आप केजरीवाल सरकार के मुफ्त बिजली और पानी के मुद्दे को खूब बना रखी है। वहीं लगातार 3 बार से दिल्ली नगर निगम पर काबिज बीजेपी को मोदी सरकार के कामों का सहारा है। बीजेपी उपचुनाव में पीएम मोदी के काम को जबरदस्त तरीके से भुना रही है। अब देखना होगा ये कि आखिर एमसीडी उपचुनावों में कमल खिलेगा या छाड़ू चलेगी। हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता उपचुनाव के दंगल की तैयारी कैसे कर रहे हैं, इसे देखते हैं। बिल्कुल साफ है कि जहां कर्मचारियों का वेतन की बात आती है तो वहां भाजपा उनको वेतन नहीं दे पाती नगर निगम के अंदर। अगर स्वच्छता की बात आती है, क्योंकि सफाई का मुख्य काम है जो एमसीडी का काम है, उसके अंदर 47 में से 46वां स्थान अगर आ रहा है सर्वेक्षण के अंदर, तो ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को नहीं चला पा रही। हर जो भी यूनिट है उसका निजीकरण करने में लगी हुई है, चाहे कूड़ा उठाने का मामला हो, चाहे ट्रॉमेल मशीन चलाने का हो, चाहे MRSM मशीन चलाने का हो, जितने भी संसाधन हैं सबको निजीकरण कर रहे हैं। घर से अगर अनऑथराइज पार्किंग की बात करें तो उनकी गाड़ी उठाने के लिए जो क्रेन लगाई हैं उसके लिए प्राइवेट टेंडर निकालते हैं। तो ये तमाम कामों से पता चलता है कि जिस तरीके से एक सरकार का अभिन्न अंग है उसको चलाने में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विफल है, क्योंकि सारे कामों का तो निजीकरण कर दिया उन्होंने, तो इनका काम क्या रह गया? तो सारा काम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, खाली इनका काम रह गया पैसे बटोरने का। मनीष सिसोदिया जी क्या कहते हैं, ये तो मनीष सिसोदिया जी बताएंगे इसका जवाब तो, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, जिस संवैधानिक व्यवस्था से वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने हैं उसी संवैधानिक व्यवस्था से हम लोग निगम हैं। आज मैं महापौर के रूप में काम कर रहा हूँ, उनकी कृपा से नहीं काम कर रहा, जनता ने हमें मैंडेट दिया है। जिस जनता ने उनको मैंडेट दे करके दिल्ली में सरकार चलाने का आशीर्वाद दिया है, उसी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है निगम चलाने का। अब वो क्या कहते हैं ये तो वो विफल, हमें तो समझ में आता नहीं। दिल्ली सरकार अपनी संवैधानिक व्यवस्थाएं अपनी उनका पूरा करती नहीं, समय पर हमारे को फंड नहीं देती, हमेशा हमारे को कोर्ट में जाना पड़ता है, हमेशा हमारे को लेटर लिखने पड़ते हैं, टेंशन इतनी देते हैं हमारे को जो वो बजट में उन्होंने हमारे को जो व्यवस्था दी है वो व्यवस्था वो पूरी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकेश चुग, कांग्रेस नेता, शालिनी सिंह आप नेता, संजय गहलोत चेयरमैन दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग से। आप सभी का स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। सबसे पहले मैं शालिनी सिंह आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक तो ये सेमीफाइनल है 2022 के होने वाले चुनावों का, और उससे पहले ये कि इस बार चुनावों में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, कैसे उखाड़ेंगे, क्या रणनीति है आपकी? बहुत साफ है कि जो दिल्ली की जनता है उसको बीजेपी की कार्यप्रणाली समझ में आ गई है। 15 साल से भाजपा एमसीडी को चला रही है और इस समय दिल्ली का जो हाल है, केजरीवाल जी का और दिल्ली सरकार का एक सपना है कि दिल्ली को एकदम साफ सुथरा एक बहुत हाई क्लास सिटी बनाए, लेकिन भाजपा की जो नाकाबिलियत है जो हमारे दिल्ली शहर को साफ रखने का जो उनका काम है, जो बाकी एक नगर निगम के काम है, उसको वो करने में पूरी तरह विफल हुई है और दिल्ली की जनता इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझ रही है। और 15 साल में उन्होंने क्या शुरू किया है भाजपा ने कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार विफल है, इसकी वजह से नगर निगम वो नहीं चला पा रहे हैं। अगर वो हर चीज केजरीवाल सरकार पे ही डाल रहे हैं तो नगर निगम केजरीवाल को ही दे दे, वो जैसे दिल्ली चला रहे वैसे नगर निगम भी चला लेंगे हर चीज के लिए। अगर वो नहीं चला पा रहे तो उसके लिए भी केजरीवाल सरकार को ही जल्दी से ब्लेम करना कहाँ की समझदारी है। आप अपने काम करने में विफल रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करिए। और इस बात को जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और ये जो हमारे उपचुनाव है इसमें भी जनता का पूरा सहयोग है। हर तरीके से जनता चाह रही है कि इनको हम हटा के हम आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी नगर निगम में लेके आए। इसके लिए भाजपा को भी कहीं ना कहीं पता है इस बात को और इसीलिए खलबली मची हुई है
और हर तरीके से ये लोग केजरीवाल सरकार को नीचा दिखाने में और झूठे आरोप लगाने में लगे हुए हैं। 13,000 करोड़ हो गया, 13,000 करोड़ का जुमला नहीं चला तो उसको 26,000 करोड़ कर दिया, कुछ ना कुछ करके खाली जनता को बहलाने में लगे रहते हैं। लेकिन जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है। रणनीति है, चलिए आप और बीजेपी ने, बीजेपी की बात करें तो केंद्र सरकार के काम है, आपकी बात करें तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार के काम है, कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास अपना पुराना अनुभव है, जिस अनुभव के दम पे हम लोगों ने पहले दिल्ली को सवारा है, उसको आगे लेकर गई है, और शीला दीक्षित जी का नाम है और हमारे पास अनुभवी नेता है, और जनता को बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का सबका काम पता चल चुका है। ये दोनों एक दूसरे की बी टीम है जो एक दूसरे के लिए काम करती है। जहां तक की बात रही आम आदमी पार्टी की, तो ये पूरी पार्टी महत्वाकांक्षाओं लोगों से भरी हुई है, जो राजनीति में सेवा करने के धर्म से नहीं, सिर्फ अपना काम करने के, अपना नाम कड़ा करने के दम से आए हैं, भाग खड़े होते हैं अपनी जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है। और अरविंद केजरीवाल खुद इस चीज को 2-3 बार सिद्ध कर चुके हैं अलग अलग चुनावों के अंदर। अच्छा ठीक, संजय जी आपकी बात करें तो दिल्ली गंदी हो रखी है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की बात करें तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है। असल में क्या स्थिति है, क्या वजह है, कौन काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो दोनों तरफ से चल रहा है, कांग्रेस दोनों को ही गलत बताती है, हर कोई, हर पार्टी अपने आप को सही बताती है, आप बताइए। देखिए जैसे ही हम एक शब्द सुनते हैं एमसीडी, एमसीडी का मतलब है सफाई व्यवस्था और उसमें काम करने वाले सफाई कर्मचारी। देखिए इसमें पिछले 5 सालों में, 5 साल का अगर हम ऑन रिकॉर्ड बात करें तो 5 सालों में तकरीबन 15 बार हड़ताल हो चुकी है, और हड़ताल करने का जो हमारे सफाई कर्मचारी को शौक नहीं है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे संकट के बादल छाए हुए हैं, उनको सैलरी नहीं मिल पाती, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया है, राशन वाला राशन नहीं दे पाता, वो बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी के शासनकाल में, और यही कारण है अब दे डोंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ बीजेपी, उनका नाम भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने भुखमरी कगार पर इनको खड़ा कर दिया है। अब देखिए जो जिम्मेदार है निगम में शासन बीजेपी का है, तो लिहाजा प्रायोरिटी पे बीजेपी की ही जिम्मेदारी बनती है कि जिन कर्मचारियों जो उन्होंने काम लिया है, जिन्होंने अपने सारा कुछ न्योछावर करके गंदगी से निजात दिलाई है जनता को भी और एक आम आदमी को निजात दिलाई है, तो लिहाजा उनकी सैलरी तो मिलनी चाहिए, 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलेगी, मुश्किल से ले देकर 13,000, 12,000, 15,000 कहेंगे तो 4,000 रुपये सैलरी मिलती है, अगर वो भी समय पर नहीं मिलेगी तो कर्मचारी भुखमरी कगार पे हैं। तो लिहाजा आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जो एक ऑब्जर्वेशन है, सबने ठान लिया है कि इस बार तो शायद बीजेपी को नेस्तनाबूद किया जाएगा। और चूंकि देखिए एक बात और भी है इसमें, सिंपल बात तो एक ही है कि दोनों चरणों में एक ही सरकार होनी चाहिए। अब दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी की सरकार निगम में है, जब तक दोनों सरकारों एक जैसे मतलब चरणों में नहीं आएंगे, बीजेपी में वही मतलब निगम में भी वही सरकार होनी चाहिए और दिल्ली सरकार में भी वही सरकार होनी चाहिए, तब जाके कम्बिनेशन बन पाता है, नहीं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं जिसमें केवल और केवल निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारी ही पिसते हैं। बिल्कुल ठीक संजय जी, आपने बात सही यहाँ पर कही कि अगर शायद एक सरकार हो तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाए, लेकिन क्योंकि सरकार अलग अलग है इसी वजह से दिक्कत आती है। लेकिन संजय जी, अब जैसे कि आपने यहाँ पर कहा कि अभी बीजेपी के काम से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है एमसीडी, ऐसे में वो चाहती है कि बदलाव हो, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो यहाँ पर एमसीडी में जितने भी तमाम पार्षद हैं या फिर महापौर हैं वो सब ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसके काम ठीक नहीं है। कई बार ऐसे भी आरोप लगते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कुछ दिनों पहले ही कि 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, एमसीडी से जवाब भी मांगा था इसको लेकर, फिर बकायदा न्यूज़पेपर के द्वारा ये छपवाया गया कि नहीं इसमें हमारी गलती नहीं है, ये सब चीज़ें क्या है? देखिए हम किसी विशेष पार्टी की बात करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वैसे हम भी संवैधानिक सूत्रों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, 2012 से पहले सारा का सारा काम एमसीडी में ठीक था। अब चूंकि उस समय जो तत्कालीन हमारी मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने इनको ट्राइफर्केशन कर दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया गया, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यहाँ के जो कर्मचारी काम करने वाले उनका वेतन क्यों देगा, कैसे क्या बात बनेगी, बस एक सिंपल बात ली दी गई कि दिल्ली सरकार फंड दिया करेगी। अब दिल्ली सरकार की जो देनदारी है, हमने अपने कमीशन में भी वहाँ बुलाया है दिल्ली सरकार के अधिकारियों को, उन्होंने बिल्कुल अपने सबूत दिखा दिया, देखो जी हमने पैसा दे दिया है, अभी लास्ट मंथ इन्होंने 938 करोड़ रुपया दिया है, उसके अलावा 100 करोड़ रुपये और दिया है, 1,038 करोड़ रुपये दे चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। बीजेपी की जो शासनकाल में अभी काम कर रहे हैं निगम में, उनके जो मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, उनका केवल और केवल एक ही बात कहना है, वो कहते हैं कि जी हमें दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिल रहा,
इससे साबित यह होता है कि निगम आज की तारीख में केवल और केवल दिल्ली सरकार के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब दिल्ली सरकार से फंड नहीं आएगा तो निगम नहीं चलेगा। इन्हें अपनी रिकवरी बढ़ानी चाहिए। पार्किंग के जिस भी चार्ज दो सारे के सारे माफ कर रहे हैं, हाउस को कम कर दे तो रिकवरी कहां से हो पाएगी? तो लिहाजा साजिश है, हमारे कर्मचारियों को भुखमरी के कगार पर जो लाने वाली इनकी साजिश है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीधी सी बात है, ये यहाँ की जनता सब समझती है। बेशक हमारे कर्मचारी कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सबके अंदर समझ आ चुकी है। 15 साल से बहुत त्रस्त हो चुके हैं, नॉट इवन अ सिंगल वन, एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया, जबकि इनकी जो खुद की पॉलिसी है निगम के प्रशासन की जो पॉलिसी है उसमें पक्के होने चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें नहीं हो पा रही, इसलिए लोग त्रस्त हैं। लिहाजा आने वाले समय में हम लोग ये चाहते हैं, सभी चाहते हैं इस बात को कि दोनों चरणों में एक जैसी सरकार होनी चाहिए। तो अभी सेमीफाइनल है, इसमें भी जैसे ही बिल्कुल जी। जयप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महापौर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से। जयप्रकाश जी, 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं एमसीडी के, और ऐसे में सेमीफाइनल इसको माना जा रहा है 2022 से पहले। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कूड़ा और भ्रष्टाचार इस बार का बड़ा मुद्दा है। संजय गहलोत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से यही कहना है कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है उसका ही परिणाम है कि सैलरी नहीं मिल रही। आखिर ये एक दूसरे के ऊपर चीजें डाला, क्योंकि एमसीडी बीजेपी शासित है, ऐसे में बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है। तो बीजेपी किस तरह से इन उपचुनावों में जीतेगी, क्या लेकर जाएगी जनता के बीच में, क्या रणनीति है? सभी को नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद विधायक बने हैं वो हैं, और एक सीट जो हमारी एक पार्षद जिसके दुखद देहांत हो गया था उसकी सीट पर चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी को अपनी 4 सीटें बचानी है और भाजपा को अपनी 1 सीट बचानी है। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि इस बार जो नतीजा होगा वो 3-2 का होगा। आम आदमी पार्टी को इस बाई इलेक्शन में नुकसान होने वाला है और उसके संकेत पंजाब के चुनाव से आपको दिखाई दे रहे। आम आदमी पार्टी जिस आधार पर दिल्ली में चुनकर आई थी, जिस जो इन्होंने वादे 2013 से पहले किए थे, आज आम आदमी की पार्टी दिल्ली में सरकार है। 65,000 करोड़ की सरकार, तीनों निगमों का जिनका बजट 18 से 20 हजार करोड़ है उनसे झगड़ा कर रहे हैं। और मैं संजय जी को बताना चाहता हूं, नगर निगम दिल्ली सरकार पर डिपेंड नहीं है। हमारा जो पैसा दिल्ली सरकार से रेवेन्यू का बनता है, हमारा बीटीए का पैसा, हमारा ट्रांसफर ड्यूटी, हमारा एजुकेशन, हमारा हेल्थ, हम वो पैसा मांगते हैं। हमारा अपने उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 1 महीने में 350 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसमें पेंशन है, जिसमें हमारी सैलरी है और हमारी मेंटेनेंस का खर्चा है, साल भर का 4200 करोड़ खर्चा है। इस बार दिल्ली सरकार ने हमारे को सिर्फ 1300 करोड़ दिए। अगर हम अपना पैसा मांगते हैं तो आपको लगता है कि हम आपसे मांग रहे हैं? वो तो हमारा राइट है। जो संवैधानिक व्यवस्था है वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमें जो भी आपसे पैसे लेने होंगे हम लेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार 938 करोड़ की घोषणा करके 1 रुपया भी नहीं देती। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी 14 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि निगम के कर्मचारियों के सिर्फ और सिर्फ वेतन के लिए 938 करोड़ रुपए अलग से जारी किए जा रहे हैं, जबकि जो पैसा आया वो तो मेरा थर्ड क्वार्टर का पैसा था, वो तो मुझे मिलना ही था। और दिल्ली सरकार ने अपने पिछले वर्ष अंतरिम बजट में ये घोषणा की थी कि 2090 करोड़ हम उत्तरी दिल्ली निगम को देंगे, शासन कर रही है अपने कोई ऐसा प्रयास किया कि जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करें या ऐसी गुहार लगाएं कि पहले की तरह दिल्ली को एक कर दे जाए ताकि दिक्कत ही ना आए पहले? क्योंकि पहले, और देखिए आपके जो बीजेपी के मुखिया थे पहले देन प्रेसिडेंट मिस्टर मनोज तिवारी जी, उन्होंने कहा था कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसा दिलाया करेंगे एमसीडी को, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं दिला पाए। अब देखिए ऐसा कौन सा प्रोविजन है, कई बार हमने कहा भी है, हमने गुजारिश की है कर्मचारियों के उत्थान के लिए, उनके भले के लिए, कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के हमारे मेयर हैं, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, इन्हें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से गुहार लगानी चाहिए कि एक स्पेशल पैकेज,
कर्मचारी को दे दिया जाए ताकि उसमें उनका एरियर निपट सके, जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उन सबके ड्यूज मिल सके और जो लोग पक्के होने से वंचित है 25 साल से उनका काम हो सके। तो अगर ये कम्बिनेशन बनेगा तो बात बन पाएगी, लेकिन ये बात नहीं हो पाती एक दूसरे पर लांछन लगाना, तो ये तो बहुत गलत बात है। दिल्ली सरकार ने कह दिया जी हमने पैसा दे दिया, आप कहते जी पैसा नहीं आया, तो इसके में कौन मजबूर होता है? हमारे सब देखिए सफाई कर्मचारियों के अलावा हमारे डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वे बिल्कुल मजबूर हैं, आत्महत्या करने मजबूर हैं। तो इसके लिए अगर प्रयास करेंगे ना दिल्ली को एक करने के लिए, यही परमानेंट सोल्यूशन है जयप्रकाश जी, तो बहुत अच्छी बात बन पाएगी। फिलहाल तो उपचुनाव का मामला है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जीतेगा कौन। लोकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। बहुत से काम ऐसे थे जो सेंट्रल के अंदर इनकी गवर्नमेंट आने के बाद ये कर सकते थे। एमसीडी के अंदर आज की डेट में दिल्ली सरकार से ज्यादा लोग काम करते हैं। संजय जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी ठीक है। उसकी जवाबदारी भी आज की डेट में केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, या कोई भी केंद्र सरकार हो, या कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, उसकी जवाबदारी केंद्र सरकार की होती है। अगर काम करना था तो काम करके देना चाहिए था। ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना ये राजनीति है ना, ये सेवा का धर्म नहीं है। और हाँ आपने बिल्कुल सही कहा संजय जी कि मैं पूरी बात से सहमत हूँ कि पिछले 5 सालों से 15 से ज्यादा बार ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं ये लोग एमसीडी वाले जो हैं वो धरने पे बैठे हैं। मैं पूरी बात से सहमत हूँ इनकी, लेकिन उसका मुख्य कारण पे वजह क्या है? ये ब्लेम गेम है कि एक व्यक्ति जैसे कहीं पर चुनाव आते हैं वो वहां भाग जाता है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है, और दूसरा बंदा काम करना ही नहीं चाहता, भले उसकी प्रदेश में कहीं पे भी सरकार हो, भले वो केंद्र शासित में हो या कहीं पे भी हो। ठीक, चलिए शालिनी जी, जब आम आदमी पार्टी ने 2017 में चुनाव लड़ा था तो एमसीडी के चुनावों में 49 सीटें आई थी, और बीजेपी की अगर बात करें तो 2012 से 43 ज्यादा सीटें बीजेपी लाई थी, वहीं कांग्रेस की सीटें 46 सीटें कम थी। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी ने जो सीटें जीती वो कहीं ना कहीं उसने कांग्रेस की सीटें ले ली, बीजेपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, बीजेपी की अपनी सीट पिछली बार से भी बहुत ज्यादा आई। ऐसे में किस तरीके से आखिर कैसे बीट करेंगे बीजेपी को? इसमें आम आदमी पार्टी का रोल सिर्फ इतना रहेगा कि वो अपने उनके प्रत्याशी उतर रहे हैं ग्राउंड पे चुनाव लड़ने के लिए, और ये जनता तय करेगी। जो ये उपचुनाव हो रहे हैं ये इसमें जनता जो है वो सब कुछ देख रही है, वो समझ रही है, और वो बिल्कुल इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि बीजेपी ने जो पिछले 5 सालों या 15 सालों किस तरीके से दिल्ली की हालत कर दी है। और जैसे संजय गर्ग जी ने कहा कि एक नगर निगम में और दिल्ली सरकार अगर एक ही होगी तो ज्यादा अच्छे से काम होगा, और ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता त्रस्त होती है, वो हमारे सारे कर्मचारी जो जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिनको बार बार धरना देना पड़ रहा है फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इस बात को समझते हुए केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के सीएम है इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए उनकी ये पूरी कोशिश है कि इस बार नगर निगम को हम बिल्कुल अच्छे से आम आदमी पार्टी की उसमें सरकार बने, और पूरी कोशिश रहेगी कि आम आदमी पार्टी पूरी जोर शोर से इस उपचुनाव में भी अपनी पूरी तैयारी से है, और 2022 में भी जो उपचुनाव जो एमसीडी जी यहाँ पर अगर देखा जाए तो चुनौती आपके सामने बहुत ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे कि विजय प्रकाश जी ने भी आपके सामने ये बात कही कि 4 सीटें थी आपकी, 1 थी बीजेपी की। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास यहाँ पर चुनौती ये है कि उसको अपनी सारी सीटें बचानी है, ना सिर्फ बचानी है बल्कि 5वीं सीट भी अपने खाते में लेकर आनी है। ऐसे में कैसे करेंगे? जनता ने जब नगर निगम में भाजपा को मेजोरिटी दी उस टाइम, उसके बाद से अभी 5 वर्ष बीत गए हैं और लोगों को समझ जनता को समझ में आ रहा है, और इस बार जनता पूरे जोर शोर से कल बनी सिसोदिया जी की पद यात्रा, जिस तरह जनता ने सपोर्ट किया, जिस तरह जनता ने पूरे जोर शोर के साथ पूरी अपना साथ दिया है, तो इससे साफ होता है जो आगामी 28 तारीख को जो चुनाव है उसमें हमें कोई हम परेशान नहीं है। जो खलबली मची है वो कांग्रेस और भाजपा में मची है कि अभी आम आदमी पार्टी अगर नगर निगम में भी सरकार बना लेगी तो इनका क्या होगा। और मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी को नगर निगम में अभी भी जीतने से 5 सीटों से कोई नहीं रोक सकता, और 2022 में भी आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आएगी, और ये जनता तय कर चुकी है। एक बात और देखने वाली है, और बार बार नगर निगम में
केजरीवाल सरकार को, दिल्ली सरकार को ब्लेम करते रहना ये सबसे आसान है। अगर इतना ज्यादा दिल्ली सरकार को ब्लेम कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार को ही नगर निगम चलाने के लिए दे दे। मैं तो बार बार यही कहती हूँ, अगर देखिए अभी निगम, अभी हमने देखा अभी हमने देखा इतना डिपेंडेंट मेयर साहब अभी बता रहे थे तो दिल्ली मेयर साहब बिल्कुल कैजुअली कह रहे हैं। तो आप केंद्र के पास जाएं, केंद्र के पास जाके आप अपनी गुहार लगाएं। केंद्र में तो आपकी सरकार बैठी है, आपने बोला 938 करोड़ रुपए आपको खाली अनाउंस कर दिए, दिल्ली सरकार ने दिए नहीं। कोर्ट में जाइए, कोई गुंडा राज थोड़ी है, काला युग थोड़ी चल रहा है कि अनाउंस कर दिए और आपको पैसे नहीं मिले और हम यहाँ झूठा वो बोलेंगे। अगर आपको लग रहा है अनाउंस कर दिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है शालिनी जी, एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने खुद देखा यहाँ पे आदरणीय जयप्रकाश जी बता रहे थे, इन्होंने सोच रखा है कि तो सेमीफाइनल है, इसमें अगर पांच के पांच सीट हार भी जाएंगे जीत जाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि तीनों एमसीडी में हमने देखा है, जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो रिपोर्ट हमारे पास में है, पूर्वी दिल्ली हो, हमारी उत्तर दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, तीनों बीजेपी की सरकार है और पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से सरकार है, तो इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि जीते या हारे। इनके फेस एक्सप्रेशन से, इनके इनकी आकांक्षा जो लग रही है, बीजेपी की सीटें क्यों नहीं है, तो इसमें इनकी तरफ से कोई हारे जीते में फर्क पड़ने वाला नहीं और ये बिल्कुल मन बना चुके हैं, इसलिए कैजुअली इनको कह दिया कि तीन और दो का हाँ ये पहले सोच रहे कैसे हो जाए। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी आरोप लग रहे हैं, सवाल है, जवाब दीजिए कि चलिए आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी सीट तो थी, ये एक सीट थी, अगर हम हार भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए बड़ी कैजुअली आपने बोल दिया तीन दो का आंकड़ा कि इस हिसाब से नहीं पड़ता। हार भी जाए तो मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी की सीटें घटने वाली है, आम आदमी पार्टी की चार सीटें थी, दो या तीन रह जाएंगी, फर्क किस पे पड़ेगा, दिल्ली की सरकार पे फर्क पड़ेगा। सफाई कर्मचारियों के उन्होंने किया क्या है, सफाई कर्मचारियों का काम हम कर रहे हैं, कर्मचारियों का पक्का हम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की तनखा दिल्ली सरकार को कर रही है, आप कर्मचारियों के हितैषी बने बैठे हो, 60,000 करोड़ की सरकार कुछ कर रही है, सर्दी में पीने को पानी, इसमें एक बात और, जब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने 2017 में विधानसभा का दृढ़ प्रस्ताव पास कर दिया कि सभी कर्मियों को पक्का करना चाहिए, तो बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने विधानसभा पटल पर प्रस्ताव पास कर दिया है कि दिल्ली को एक होना चाहिए, दिल्ली का एकीकरण होना चाहिए, उसको भंग नहीं किया गया। दिल्ली की जनता आज दिखाने वाली है, जो सर्दी में पानी नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल बढ़ा करके दे रहे हैं, सड़क बना नहीं पा रहे, स्कूल बना नहीं पा रहे, स्कूल में उनके अफसर आकर के कहते हैं सिर्फ पेपर में आप कुछ भी लिख दो आपको नाम दे दिए जाएंगे, ये कैसी सरकार है, कैसी बात कर रहे हैं इस तरह से? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, गलत तरह की। अरे भाई आप भारतीय जनता पार्टी आपको दिल्ली में जमने नहीं देगी और आप कह रहे हो कि दोनों जगह एक चीज सरकार होनी चाहिए, तो इसका मतलब 2020 में जनता ने आप लोगों को चुनके गलती करी, आप ये खुद बता रहे हो गलती की है, क्योंकि आप लोगों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, कोविड काल में आपने कुछ नहीं किया, स्कूल के लिए कुछ नहीं किया, कॉलेज के लिए कुछ नहीं किया, सड़कों के लिए कुछ नहीं किया, फ्लाईओवर के लिए कुछ नहीं किया, नगर निगम को आप हमारा पैसा देना नहीं चाहते, नगर निगमों को आप काम नहीं करने दे रहे, आपकी झूठी बनती है, ये जनता सब जान चुकी है, सब समझ चुकी है। फ्लाईओवर की अगर जहां तक बात करें, दो फ्लाईओवर बनेंगे, उल्टा दिल्ली सरकार ने तो पैसा बचा के दे दिया, ठीक है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली के, जो हमारे सफाई कर्मचारी किसके अंतर्गत आते हैं, सीधी सी बात है, एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बार बार कहने का दिल्ली सरकार से कोई मतलब नहीं, दिल्ली सरकार के उनको देती होती है, देखिए एमसीडी के उपचुनाव है, सरकार है संजय जिम्मेदारी, उनको उपचुनाव होंगे, केवल एमसीडी की है, एमसीडी को सोचना चाहिए। अब काम तो मैं आप एक बात करूंगा, तुम खरीदे कहां जा रहा हूं, सरकार संविधान से चलती है, जो दिल्ली सरकार को हमारा पैसा दे रहा संविधान के तहत वो देगा कि नहीं देगा जी, बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं आप, ये बात जायज है, हमको वो दे चुके हैं, आपने अभी कह दिया 13,000 करोड़ लाओ, हमने जांच की वहां जाके उनसे कोर्ट में सुनवाई, चलिए संजय जी चुनाव होंगे चीजें ठीक हो जाएंगी, जनता के हाथ में है वो किसे चुनती है, जाहिर सी बात है अगर आप चाहते हैं एमसीडी में और दिल्ली में एक ही सरकार होनी चाहिए तो चुनावों में ये चीजें तय हो जाएगी, जनता के हाथ में वो क्या चाहती है वो सारी चुनती है, ये हम और आप कहने वाले कौन होते हैं दिल्ली सरकार को बचाने के चक्कर में। चलिए ठीक, वक्त खत्म हो चुका है।
सबसे बड़ी बात यह कि एमसीडी में उपचुनाव होने वाले हैं, 5 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने कामों को लेकर पहुंचेंगी। और अगर कांग्रेस की बात यहां पर की जाए तो कांग्रेस को कहें तो उनका ये कहना है कि भाई हमारे पास अपना जो पुराना एक्सपीरियंस वो है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके सिर पे ताज सजेगा यहां पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।